हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा नौवीं की ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम ब्रिज कोर्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हम कहाँ पर है एक्टिविटी तीन पर। तो एक्टिविटी तीन का हमें ए वाला करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, सेंटेंस फ्रामिंग क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, रीड दी सब ट्यूशन टेबल एंड राइट दी सेंटेंस बिलो। क्या करना है, जो सब ट्यूशन टेबल दी गई है इसको पढ़ना है और नीचे क्या करना है, सेंटेंस को लिखना है, राइट दी सेंटेंस बिलो। चलिए तो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप सब ट्यूशन टेबल देख सकते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर, आई लिखा है, एम लिखा है और यहाँ पर ही सी इज अ बॉय या फिर गर्ल। तो आपको इनकी सहायता से वाक्य बनाने, जैसे यहाँ पर बना के बताया गया आई एम अ बॉय, आई एम आ बॉय। तो इसी तरह से क्या बन जाएगा, अगला बनाया सी एज आ गर्ल। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, आई एम आ बॉय के साथ बन गया तो क्या हो जाएगा, गर्ल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक सेंटेंस बन जाएगा आई एम आ गर्ल। फिर इसी तरह से ही के साथ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही एज आ बॉय या फिर ही एज आ गर्ल, सी एज आ गर्ल आएगा, ही एज आ गर्ल नहीं आ सकता क्योंकि गर्ल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता। ही है जो पुल्लिंग के लिए किया जाता है, सी है जो स्त्रीलिंग के लिए। तो ही इज अ बॉय आएगा और सी इज अ गर्ल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे सेंटेंस बना के नीचे लिखने थे। अब आपको यहाँ पर एक और सब ट्यूशन टेबल मिल जाएगी, इसके भी आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज माई पेन, इसी को जोड़ के बना, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन होगा। फिर क्या लिखा, दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज इसके साथ बना, दिस इज नॉट माई पेन। यह दो बार दो दो सेंटेंस बनाने हैं। इसी तरह से आप दैट के साथ बनाएंगे, दैट इज माई बुक, दैट इज माई के साथ होगा, तब यहाँ पर ए बार के साथ बनाना, दैट इज ए बार बुक। तो ये एक और बन जाएगा, दैट इज नॉट ए बार बुक। तो अगला क्या बन जाएगा, दैट इज नॉट ए बार बुक। इसी के साथ आप इट के साथ ही बना सकते हैं, इट के साथ बनाएंगे तो इट इज हिज बाईसाइकिल या फिर डॉग, इट इज नॉट हर टॉय। इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है एक्टिविटी तीन का बी देखते हैं। इसमें क्या करना है, लेट्स कंबाइन एंड राइट, क्या करना है आपको, इनको कंबाइन मतलब इकट्ठा, राइट मीन्स लिखना है, इनको क्या करना है, एक इकट्ठा लिखना है और सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर यह है आपको सब ट्यूशन टेबल दी गई है, इसको देखो, इसको बनाना है। जैसे यहाँ पर इट के साथ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज अ चैन, दूसरा बन जाएगा ये इट के साथ हो गया, दूसरा क्या बना लेंगे, दिस इज अ कप, यहाँ पर ऊपर लिखा है कप, दिस इज अ कप, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। फिर से यही बनाएंगे, क्या बन जाएगा, इट इज अ, इट इज इन, आपको क्या करना है, सभी के साथ बनाना है, इट के, इट का पहले इज के साथ, फिर आ चैन, फिर दिस इज अ कप, दैट इज अ बॉल, ऐसे है जो ए और इनका यहाँ पर बदल के बनाते जाना है। तो यहाँ पर ए चैन, यह आ कप, फिर आ बॉल, यहाँ देखो यहाँ पर यह लिखा है इट इज इन आ, यह बन जाएगा, दिस इज अ बोट बन जाएगा, दैट इज इन अम्ब्रेला हो जाएगा। यहाँ पर एन और ए का प्रयोग समझ रहे हैं कैसे आ रहा है, देखो जब भी ए या फिर एन के बाद वाला अक्षर देखना, इसमें इसका पहला लेटर यदि स्वर हो या फिर स्वर हो, तो स्वर मतलब ए ई आई ओ यू, यदि पहले वाले शब्द का पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, तो वहाँ पर कौन सा आता है, ए एन आता है, अन्यथा बाकी सभी लेटर में ई आएगा। तो यहाँ पर देखो आई में ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन। यहाँ पर देखो यह वाला अक्षर देखना, यह कैसे शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, तो यू है जो यहाँ पर आ रहा है, तो यह क्या है, स्वर है यू, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए एन एन। यहाँ पर देखो ए एक्स ई लिखा है, तो यह किससे शुरू हो रहा, ए से, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने ए एन को जोड़ा है। तो यह आपको ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से अक्षर शुरू होता है वहाँ पर एन आएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे।
फिर एक्टिविटी तीन का सी देखते हैं, इसमें क्या करना है। देखो, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग दी वर्ड गिवन इन दी बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। क्या करना है, मेक सेंटेंस यानी वाक्य को बनाना बाय यूजिंग दी वर्ड गिवन, जो आपको वर्ड दिए गए हैं, इन दी बॉक्स बॉक्स में, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो क्या करना है, आपको इनको पूरा करना है। तो देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा, आई बी यू ही सी एट और दे, तो इनके साथ हमें सेंटेंस बनाना है। एक एक करके हम सभी के साथ बना लेंगे। सबसे पहले जैसे आई के साथ इन्होंने एग्जाम्पल में बना के दिया है, आई कैन ईट, आई आई का यूज किया, कैन का और ईट का, तो क्या बनेगा, आई कैन ईट। इसी तरह से हम बी के साथ बनाएंगे, बी के साथ तो क्या हो जाएगा, बी कैन ईट, या फिर क्या बना लेंगे, आई कैन नॉट ईट। कोई भी आपको सेंटेंस बनाना है, दो दो सेंटेंस बन जाएंगे। अब यू यू के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू कैन नॉट डांस, या फिर क्या बन जाएंगे, यू कैन डांस, यू कैन नॉट ड्रो। कछु भी आप सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ से। फिर आप ही के साथ बना लेंगे, ही के साथ बनाए, जैसे हमने ही कैन स्लीप, ही कैन बाय सो सकता है, ही कैन स्लीप बाय सो सकता है। अगला बना लिया हमने, सी कैन नॉट स्लीप, दे कैन डांस, और एक और वाक्य बनाना है आपको, बना लेंगे, इट कैन रन। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, एक एक करके इनके साथ में है जो सेंटेंस को बनाना था। इस तरह से आप एक्टिविटी तीन का सी को हल कर लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे आपको यह एक मिल जाएगा, यह जो गलती से यह पेज उल्टा लग गया है, इसमें देखो समझ लेंगे आप क्या लिखा, सेंटेंस फार्मिंग, इसमें भी आपको सेंटेंस को बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, यह देखिए क्या लिखा है, मेक सेंटेंस, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग दी वर्ड गिवन इन दी बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। क्या करना है, जो बॉक्स में शब्द दिए गए इन्हीं के आधार पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, कैन आई प्ले, कैन आई प्ले, या फिर इनमें से आपको एक एक शब्द लेना है। तो यहाँ पर अब दूसरा क्या बन जाएगा, कैन के साथ बनाएंगे, कैन यू प्ले, कैन यू प्ले। अगला बना लिया, जैसे कैन सी कुक, कैन सी कुक, कैन सी एस एच ई सी, कैन सी कुक। फिर कैन ही री रीड के साथ बना लिया, कैन ही रीड। फिर स्विन के साथ बना लेंगे, कैन इट स्विन, और कैन दे रन। तो इस तरह से आप सेंटेंस फार्मिंग थी जो आपको करनी थी, सेंटेंस को पूरा करना था। तो हमने आपको यह सेंटेंस फार्मिंग समझा दी, कैसे सेंटेंस बनाना है, और आप सभी लोग पर सेंटेंस बनाते भी बनने लगे होंगे। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। यदि आपको यह समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।